और वो जो प्राइम वर्सेस गॉडलाइक की लव स्टोरी है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से उसका अगला किस्सा लिखा जा सकता है इस मुकाबले में। देखिए लव स्टोरी से ज्यादा मुझे वो हेट स्टोरी लगती है, बिकॉज लड़ते रहते हैं हर मैच के अंदर। बट हेट स्टोरी, बिल्कुल, अब हेट स्टोरी का अगला चैप्टर लिखने की बारी है। और प्राइम, ये 9 फुट की स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है इनको, ये हम सब जानते हैं, राइट? पर देखने की बात है ये 9 फुट काम करेगा, कुछ आवाज नहीं कर रहे। वो नेट पिन करना गलती साबित होगी, और वो नेट पिन कर दिया रामपेज ने। अब पता है एडमिनों की कोई ना कोई तो यहाँ पे है, अगर ना पिन करते और वहीं पे खामोशी से बैठे रहते, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रहता। जी हाँ, और खामोशियां एहसास है, तुम सुनने तो आओ कभी, ये कहना है मुझे बहुत पसंद है। बट फिलहाल के लिए देखना इंपॉर्टेंट है कि टीम प्राइम वहां पे आगे करने के वाले हो, जो बाकी के प्लेयर्स है क्या वो रीजॉइन कर सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सिंप उनको डाउन के देखो, टीम गॉडलाइक उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ये आपने क्या किया, इतने हल्के में वो खिलाड़ी ऊपर की तरफ आए और एक एक करके दोनों का ही जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। जॉनसन की बात करें वो भी डाउन किए गए और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं। देखिए ये तो काफी ज्यादा खराब जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिलता हुआ, जहां पर 3 फिनिशेस आ चुके टीम प्राइम के पास और टीम गॉडलाइक मात्र एक खिलाड़ी जो जेली अब सरवाइव करेंगे। देखिए खामोशिया एहसास है और गॉडलाइक उसको सुनने के लिए गए भी थे, बट वहां पे वो कुछ कर नहीं पाए। 3 प्लेयर्स का खात्मा हमने वहां देखा। जेली आखिरी प्लेयर, इधर वोल्टेज।